हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। इस फिल्म की शुरुआत होती है और शुरुआत होती है इस हाई स्कूल के सबसे हॉट लड़की बेथ से। बेथ चीयर लीडर्स की हेड है, उसके चाहने वालों की कमी नहीं है, पर फिर भी उसने एक चूती किस्म के इंसान केविन को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। केविन इतना चूतिया है कि उसके साथी भी महाचूतिया हैं। फिलहाल ग्रेजुएशन डे पार्टी चल रही है, सबको अपनी स्पीच देनी है। स्पीच देने की बारी अब डेनिस की है। डेनिस अपनी स्पीच में अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहता, पर वो यहाँ अपने प्यार का इजहार करता है बेथ के प्रति। वो कहते हैं कि जब वो 7th में था तभी से बेथ को पसंद करता है। जब जब वो बेथ के पीछे बैठता था सिर्फ उसे ही देखता रहता था। कभी उसकी बेथ से बात नहीं हुई क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, पर वो हमेशा उससे प्यार करता है। आज वो सबके सामने इस प्यार को इजहार कर रहा है। बेथ ये सब सुनते हुए बड़ी ऑकवर्ड होती है। इसके साथ ही डेनिस यहाँ काफ़ी लोगों की बुराइयाँ करता है। वो बेथ के बॉयफ्रेंड केविन की भी बुराई करता है, साथ में ग्रेग की भी बुराई करता है। इतने में यहाँ की टीचर डेनिस को यहाँ से जाने को कहती है। इस तरह ये पार्टी ख़त्म हो गई है। स्कूल के बाहर डेनिस से मिलने टीचर आई है। टीचर डेनिस से पूछती है, तुम्हें एक लड़की को प्रपोज करने के लिए यही जगह मिली? डेनिस उससे कहता है, आपने कभी प्यार नहीं किया, अगर आपने किया होता तो आप समझ जाती। तभी टीचर को याद आता है कि वो भी किसी के साथ हमबिस्तर हुई थी, वो भी कार में। डेनिस यहाँ पर मौजूद ही है कि तभी केविन आ गया है। केविन डेनिस को मारना शुरू करता है, पर तभी यहाँ की टीचर आकर डेनिस को बचा लेती है। वो केविन को यहाँ से जाने को कहती है। बाद में बेथ डेनिस को कन्फ्रंट करने आई है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे लज्जित कर दिया है, सबके सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रही। पर इसके साथ ही वो अपने कपड़ों को उतारते हुए दिखाती है कि वो कितनी हॉट है। ये सब देख कर डेनिस के मन में काम वासना की लोलुपता जगती है। डेनिस बातों बातों में बेथ को अपने यहाँ पार्टी पर इनवाइट कर देता है। बेथ कहती है कि वो सोचेगी, पर डेनिस को पूरा यकीन है कि वो ज़रूर आएगी। इतने मरीज डेनिस के पास आता है। वो डेनिस से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं गे हूँ, जबकि मैं खुद इस बारे में श्योर नहीं हूँ। इसके बाद डेनिस और रिच यहाँ से जा रहे हैं। घर पर उन्होंने पार्टी की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। यहाँ हम डेनिस के पेरेंट्स को देखते हैं। वो यहाँ से दूर जा रहे हैं, पर वो चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी वर्जिनिटी को तोड़ दे। वो बड़े परेशान हैं इसके लिए। उन्हें लगता है कि डेनिस की कभी कोई गर्लफ्रेंड बन ही नहीं पाएगी। वो जाते हुए डेनिस से कहते हैं कि मैंने अपने कमरों में निरोध रख दिया है, अगर डेनिस को मौका लगे तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद बेथ अपनी दो सहेलियों के साथ यहाँ पहुँची है। डेनिस और रिच बड़े नर्वस हैं। तीनों सहेलियाँ घर के अंदर आती हैं। वो देखती हैं कि यहाँ तो कोई पार्टी नहीं चल रही। वो डेनिस से पूछती है कि आखिर यहाँ कोई पार्टी क्यों नहीं है। डेनिस कहता है कि पार्टी तो उसने रखी थी पर कोई आया नहीं। बेथ समझ जाती है कि ये सब डेनिस की शरारत है बेथ को यहाँ तक बुलाने के लिए। इसके बाद डेनिस और रिच डेनिस के फादर के कमरे से निरोध को लाते हैं। वो उसका गुब्बारा बनाकर यहाँ फुलाते हैं। बेथ भी डेनिस से मज़े ले रही है। वो उसके ऊपर चढ़कर उससे कहती है कि तुम बड़े क्यूट हो। इतने में डेनिस को इरेक्शन होता है। इस बात को बेथ रियलाइज़ करती है। बाद में बेथ अपनी सहेलियों से उसका मजाक उड़ा रही है। डेनिस अपने अंगों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इतने में केविन अपने साथियों के साथ पहुंचा है। डेनिस हर गेट को बंद करने की कोशिश कर रहा है, पर एक दरवाजे से केविन अपने साथियों के साथ एंटर कर गया। इसके बाद यहाँ काफ़ी फाइट होती है। किचन के सारे सामान को तोड़ा जाता है। बेथ सभी को बचाते हुए यहाँ से भागती है। भागते हुए गैस स्टेशन पर पहुँचे हैं। यहाँ वो सबके लिए बियर खरीदना चाहती है, पर यहाँ का रिसेप्शनिस्ट बियर देने से इनकार कर देता है। वो बेथ से ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। बेथ जब ड्राइविंग लाइसेंस को दिखाती है तब इसमें उसकी उम्र 37 साल है। इस पर रिसेप्शनिस्ट कहता है कि वो बियर नहीं दे सकता। बेथ बियर के बदले किसेस देने को तैयार है। इस तरह बेथ ने कई किसेस दिए हैं और फिर उसे बियर मिल गई है। अब डेनिस को लग रहा है कि जिस बेथ को पसंद करता है ये वो बेथ नहीं है। इसमें तो काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं। इस बात को वो एक बोन फायर के सामने बैठा कहता भी है। बेथ यह रियलाइज़ करती है कि हाँ, वाकई में वो खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करती। इतने मरीज केमी और ट्रेस भागते हुए आए हैं। उनको कुछ गायें दौड़ा रही हैं। इस तरह पाँचों यहाँ से भागते हुए यहाँ से निकलते हैं। बेथ बड़े अजीब तरीके से ड्राइव कर रही है। रास्ते में इनकी कार एक दूसरी कार से टकराने को है। तभी हम देखते हैं कि इसमें से डेनिस के पेरेंट्स निकल रहे हैं। वो कार के अंदर ही संभोग कर रहे थे। इस समय डेनिस के फादर के पेरेंट्स उतरे हुए हैं। ये सब बेथ और उसकी सहेली से देखा नहीं जा रहा। वो इस सब को अवॉइड करते हुए यहाँ से भागते हैं। वो पहुँचे वैलिस के घर। यहाँ पर पार्टी चल रही है। केविन इन्हें ट्रैक करता हुआ यहाँ पहुँच गया है। इधर डेनिस से ग्रेग मिला है।
वो उसके कंधे पर रोना शुरू करता है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। वो कहता है कि आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, वो बहुत परेशान है। अब भला डेनिस कैसे कहे कि वो भी इसी गम से गुजर रहा है। वो बस ग्रेग को थपथपी देता है। केविन अचानक से डेनिस पर हमला करता है। डेनिस की यहाँ काफ़ी पिटाई होती है। बेथ यहाँ कार को लाने गई है। इतने में ग्रेग आया है केविन से लड़ने के लिए। वो केविन की पिटाई करता है, पर थोड़ी देर के बाद केविन ग्रेग पर भारी पड़ा है। अब तक बेथ अपनी कार से आ चुकी है और इस तरह वो अपने चारों दोस्तों को लिए यहाँ से भागती है। इसके बाद ये पहुँचे स्कूल में। स्कूल इस समय खाली है, पर बेथ के पास इसकी चाबी है। दरअसल वो यहाँ की चीयर लीडर है, इसलिए उसे चाबी मिली हुई है। इसके बाद वो यहाँ के प्रमाइस में एंटर करते हैं। बेथ अपनी सहेलियों के साथ चीयर लीडिंग डांस को परफॉर्म करती है। डेनिस इसे इंजॉय करता है। जब ये शावर लेने जाते हैं तब बेथ नग्न अवस्था में डेनिस के सामने आती है। डेनिस इसे सब देखकर शर्माने लगा है। बाकी सभी शावर लेने जा रहे हैं, डेनिस अब इसकी तैयारी कर रहा है। तभी अचानक से केविन उसके पीछे आ जाता है। यहाँ वो डेनिस को मारना शुरू करते हैं। अब तक रिच बाहर आ चुका है, उसके पास लड़ने के लिए सिर्फ तौलिया है। इस तौलिए से एक घमासान लड़ाई होती है। इस तौलिए के बल पर रिच ने केविन को हरा दिया है और इस तरह ये सभी यहाँ से भागते हैं। भागते हुए पहुँचे ट्रिस के फैमिली केबिन में। एक तरफ तो सनराइज़ को देखने के लिए बेथ और डेनिस बैठे हुए हैं। बेथ डेनिस से कहती है कि उसने केविन जैसे चूतियों को पसंद करके बहुत बड़ी गलती की है। केविन उसके तो क्या किसी भी लड़की के लिए डिजर्व नहीं करता। डेनिस भी इस बात में हामी भरता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, ये इनकी पहली किस है। इसके बाद ये आपस में संभोग करते हैं, एक दूसरे के साथ रति क्रिया करते हुए ये सहवास का आनंद लेते हैं। इधर हम रिच को देखते हैं जो कि बेथ की दो सहेलियों के साथ है। दोनों सहेलियाँ रिच से पूछती हैं, क्या तुम वाकई में गे हो। रिच कहते हैं कि उसे इस बात का श्योर नहीं है। अब इस बात की जांच करने के लिए तीनों एक साथ हम बिस्तर होते हैं। इसके बाद ट्रिस कहती है कि रिच गे नहीं है। रिच को अभी भी नहीं पता चल रहा कि वाकई में वो है क्या। इस तरह अगली सुबह ये डेनिस के घर पहुँचे हैं। डेनिस के पेरेंट्स डेनिस का इंतज़ार कर रहे हैं। डेनिस के फादर को खुशी है कि उनके बेटे ने अब वर्जिनिटी तोड़ दी है, पर वो इस बात से नाराज़ हैं कि उनके घर में काफ़ी तोड़फोड़ की गई है। इधर बेथ डेनिस के पास आती है, उसे किस करते हुए कहती है कि तुम मुझसे प्यार जो करते हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डेनिस उसे कहता है कि तुम में हर चीज़ प्यार करने लायक है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसे मैं प्यार ना करूं। इस तरह ये दोबारा हाई स्कूल रियूनियन में रियूनाइट होने का वादा करते हैं, और अगर तब तक ये कुंवारे रहे तो दोनों आपस में शादी कर लेंगे। इस तरह बेथ अपने सहेलियों के साथ चली गई है। बाद में रिच डेनिस से कहता है कि शायद मैं गे नहीं हूँ, मैं दोनों जेंडर के प्रति आकर्षित हूँ। यहाँ डेनिस कहता है कि वो रीयूनियन तक वेट नहीं कर सकता, वो बेथ को अभी प्रपोज़ करना चाहता है। ये दोनों तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह बेथ को प्रपोज़ किया जाए, और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।